Hi everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So guys, I am Zara. Today's video, Maxdiff Skin Brightening Cream Review. So guys, simple, अगर मैं बात करूँ तो Maxdiff क्रीम के बारे में आज मैं आपको honest review दूंगी. बहुत सारे YouTube पे आपने review चेक किए होंगे या देखे होंगे, लेकिन इस क्रीम की सच्चाई क्या है या ये क्रीम किस लिए यूज कर सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल करना ठीक भी है या नहीं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी मैं इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम बात कर रहे हैं Maxdiff स्किन ब्राइटनिंग क्रीम की. ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, साथ में डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड भी है. दूसरी बात, ये क्रीम लाहौर की कंपनी में बनाई जाती है. इंग्रेडिएंट इसके सारे मेंशन हैं पीछे बॉक्स पे, क्योंकि जो इस तरह की क्रीम्स होती हैं उसपे सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट पहले मेंशन किए जाते हैं, ताकि आपकी अच्छे से रहनुमाई हो सके. यहाँ आप देख सकते हैं. दूसरी बात की जाए इसके टेक्सचर की, तो इसकी टेक्सचर बिल्कुल माइल्ड सा है और व्हाइट कलर की इसकी कंसिस्टेंसी होती है. पहले जो क्रीम आती थी उसकी क्रीमिश कलर की होती थी, लेकिन अभी कंपनी ने टेक्सचर को चेंज किया है. दूसरी बात ये की जाए कि ये स्किन लाइटनिंग के लिए कितनी अच्छी है, क्या ये आपके कलर को गोरा करती है या नहीं. सो गाइस, बिल्कुल भी ऐसा ख्याल निकाल दीजिए कि आप इसको यूज करेंगे तो अगर आपका कलर बहुत ज्यादा ब्लैक और सांवला है और ये व्हाइट कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अगर आपने यूट्यूब पे ऐसी ही वीडियो देखी है, तो फिर आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि वो सब व्यूज लेने की वजह से आपको इस तरह से कह रहे होंगे. लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली इस क्रीम के प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस 1100 रुपए या 1000 रुपए के अराउंड है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप फिर भी किसी के कहने के ऊपर इसे यूज करते हो कि आपका कलर फेयर हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए बजट से आउट वाला सीन है. अगर आप इसको 2 से 3 मंथ्स भी यूज करोगे ये सोचने के लिए कि नहीं आपका कलर फेयर हो जाएगा, नहीं आपको यूज करना चाहिए ये, तब भी अगर आप इस पे 3 से 3500 पे लगा देते हो 2-3 मंथ्स के, तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं देने वाली. आपको ये मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी, शॉपिंग मॉल से भी मिल जाएगी, नॉर्मली आप कॉस्मेटिक शॉप से भी बाय करेंगे तो हो सकता है ये आपको मिल जाए. ऑनलाइन भी इसको बाय कर सकते हैं स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर. लेकिन अगर आप लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और किसी के कहने के ऊपर आप इसे यूज कर रहे हो कि ये आपके कलर को बहुत ज्यादा व्हाइट कर देगी, तो ये आपकी जस्ट गलत फहमी होगी, बिकॉज ये आपको बिल्कुल ड्रीम्स वाला कलर नहीं देगी. अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 2 से 3 महीने अगर आप इसका लगाने का सोच भी रहे हो कि आपको कलर आ जाएगा, तो ये आपके टोटली पैसे जो है वो वेस्ट होने वाले हैं. हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके स्किन नीट एंड क्लीन हो जाए, आपको एक शेड कलर मिले, तो ये एक शेड को कलर को फेयर कर देगी जो आपके सामने है, और ये बिल्कुल भी इतना विजिबल रिजल्ट नहीं जो आप सोच रहे हैं. बस आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी, बाकी इस क्रीम से कोई आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, रेडनेस वगैरह भी नहीं होगी. और दूसरी बात ये है कि ये एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगी, स्किन को मॉइस्चराइज रखने में बहुत हद तक हेल्प करती है. सो इसके यूज करने का सिंपल तरीका है, आप इसको नाइट टाइम पे यूज कर सकते हैं. नाइट टाइम पे जब आप फेस वॉश करने के बाद सोने लगे, अपने चेहरे को धोने के बाद जब क्रीम अप्लाई करें, तो नाइट क्रीम को इसको यूज कर सकते हैं. इस क्रीम में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, जो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. साइड इफेक्ट्स का ये बता दूं कि एक्सपायर डेट जरूर चेक किया करें, और क्रीम ओरिजिनल है या नहीं ये भी जरूर चेक किया करें. सो गाइस, ये सारी चीजें बताना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, ताकि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूं. और दूसरी बात ये कि अगर आपको पिंपल्स एक्नी वगैरह हैं, तो ये आपकी कुछ हद तक हेल्प कर सकती है, पिंपल्स एक्नी को आने से रोक सकती है, और अगर आपको चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह हैं, तो बहुत हद तक लाइट कर सकती है. सो अगर आप इस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसे यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप रंग गोरा करने के मकसद के लिए इसे यूज करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि ये आपको जादुई तौर पर गोरा कर दे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.